हाय दोस्तों, वेलकम टू मोमा टियारा। मैं हूं कुरोबी और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं मेरे कलेक्शन में से कुछ पर्स एंड क्लचेस और कुछ हैंडबैग्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारे हैंडबैग्स एंड क्लचेस है एंड आई थिंक आप में से भी काफ़ी सारे लोगों के पास बहुत सारे हैंडबैग्स एंड क्लचेस होती है, बट ऐसी बहुत ही कम बैग्स होती है जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेरे पास जो मैं आपको आज टॉप 5 और 6 बैग्स दिखाने वाले हूँ, क्लचेस दिखाने वाले हूँ, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ एंड इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एंड सबसे अच्छी चीज़, ये मेरे इंडियन आउटफिट्स के साथ भी बहुत अच्छे दिखते हैं, वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी बहुत अच्छे दिखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जिस हैंडबैग से मैं स्टार्ट करूँगी, ये मेरी वन ऑफ बहुत एक पसंदीदा हैंडबैग है। एंड इस तरह की हैंडबैग्स जो होती है ना, इस पैटर्न की जो हैंडबैग्स होती है, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। क्यों? क्योंकि ये सारे के साथ भी ना बहुत स्मार्ट दिखता है एंड सूट पहनो या फिर कोई भी वेस्टर्न आउटफिट पहनो, ये बहुत अच्छी दिखती है इस तरह की जो हैंडबैग्स होती है। यहाँ पे आपको स्लिंग भी मिलती है, ठीक है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इसको जब मैं ओपन करती हूँ ना, इसमें काफ़ी अच्छी खासी जगह भी मिलती है, जिप से ये ओपन क्लोज होती है, यहाँ पे आपको जिप मिल जाती है। तो अगर इस तरह की स्लिंग बैग में जब जिप होती है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाती है। कोई भी चीज़ जब आप मोबाइल वगैरह इसके अंदर रखते हो तो वो सेफली वो रहती है। तो इसमें कलर ब्राउन एंड ऑफ वाइट में मेरे पास है। इसमें आपको आई थिंक और एक दो कलर ऑप्शन भी मिल जाती है, ब्लैक एंड ब्राउन में भी मिल जाती है। इसको मुझे ख़रीदे हुए 1 ईयर हो गया है, अभी तक इसकी कहीं से भी इधर उधर से कुछ नहीं निकला है। ये ओरिजिनल लेदर नहीं है, तो एक डर रहता है कि इधर से उधर से कुछ निकल ना जाए, बट ये मैं कह सकती हूँ 1 साल हो गया है, अभी तक इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अभी सिमिलरली मेरे पास और एक बैग है जो आप मुझे बहुत ज़्यादा देखते हो, ये मेरे पास है, जो एक एडिसा ब्रांड से है और ये मुझे ख़रीदे हुए 3 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कहीं से भी कुछ नहीं निकला है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। एंड एडिसा ब्रांड की जो एक ख़ास बात होती है, प्राइस इनकी थोड़ी मतलब बजट में होती है और क्वालिटी भी ठीक ठाक होती है। तो ये कुछ इस तरह की है, इस तरह की जो बैग्स होती है ना, ये जो डिज़ाइन होती है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ट्रस्ट मी, ये ट्राई करके देखो, सारी के साथ ना बहुत अच्छा दिखता है, बहुत स्मार्ट दिखता है एंड जैसे मैंने कहा, सभी तरह के आउटफिट्स के साथ इसको हम ले पाते हैं। अभी इसमें आपको कुछ कलर ऑप्शन भी मिल जाती है, वाइट कलर और बहुत अच्छे अच्छे कलर ऑप्शन मिल जाती है, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अभी इसका जो ड्रॉबैक है ना, ये है, यहाँ पर आपको कोई जिप नहीं मिलती है, तो ये चीज़ ना थोड़ी स्केरी हो जाती है। कोई भी मोबाइल वगैरह जब आप रखते हो तो आप जस्ट इसको खोल के ही वो निकालते हो, अदरवाइज़ की लुक और प्राइस वाइज ये जो बैग है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें भी आपको स्लिंग मिल जाती है एडजस्टेबल, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी मेरी एक बहुत पसंदीदा एक बैग है। तो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये एक क्लच है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको ख़रीदे हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये मिराकियो ब्रांड से है, तो मैं कह सकती हूँ क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि इस ब्रांड की मेरे पास और भी एक बैग है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये कुछ इस तरह की है, यहाँ पे आपको ये इस तरह से ओपन करते हो, ठीक है, और अंदर आप देखो इस तरह की है। इसके ये जो कागज़ है ना, वो मैं नहीं निकालती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बैग ज़्यादा अच्छे रहते हैं, वरना एक के साथ दूसरा तीसरा जब बैग हम रखते हैं ना, तो दब के बैग्स काफ़ी टाइम ख़राब हो जाते हैं। तो ये बैग कुछ इस तरह की है, ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही छोटू सा है एंड बहुत स्टाइलिश लुक देती है। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी जो बैग मेरे हाथ में है, ये ग्रीन कलर में एक बैग है जो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है एंड अगर मैं रोज़ अगर कोई बैग लेती हूँ ना, तो ये बैग है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कलर्स की इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल है ना, सभी तरह की कलर के आउटफिट्स के साथ ये अच्छा दिखता है। तो ये जो बैग है, ये कुछ इस तरह से ओपन होती है जिप से एंड इसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी जगह है, ठीक है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आप देखो जिप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आपको ये बेल्ट मिल जाती है और यहाँ पे आपको एक छोटा सा और एक पाउच भी मिलती है जो आप रिमूव भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसको मैं काफ़ी टाइम रिमूव कर लेती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। छोटा सा पाउच है, इसको आप ना बैग के अंदर भी रख सकते हैं और कुछ इस तरह की ये बैग है। ये भी एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट करके आप छोटा शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी सारे और भी कलर ऑप्शन मिल जाती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसका प्राइस भी आई थिंक 500 समथिंग कुछ प्राइस में मैंने इसको लिया था,
वर्थ है, क्योंकि इसको लिए हुए मुझे इसको भी 1 ईयर हो गया है और बहुत अच्छी क्वालिटी की एक बैग है, क्रॉस बॉडी बैग है। इस तरह की बैग हम ज़्यादा मतलब किसी भी जगह पे जा रहे हो जस्ट ले लो और चले जाओ, बहुत ज़्यादा काम की बैग है। दिखाने वाली हूँ एक क्लच, जो कि मैं आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को दिखाई है मेरे वीडियोस में, आप देखते हो। ये ब्लैक कलर में है एक क्लच एंड बहुत ज़्यादा काम की है। इसमें कोई भी लेदर नहीं मिलती है तो इस वजह से ये बिल्कुल कहीं से भी कुछ निकलने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे आपको ग्लिटर्स मिल जाती है, थोड़े बहुत ग्लिटर्स अगर निकलते भी है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ग्लिटर्स है। और इस तरह की जो क्लचेस होती है ना, इसमें मैंने सिल्वर लिया है, गोल्डन में एक लो बहुत ज़्यादा काम आती है। मेरे पास एक गोल्डन में ही है। अगर कुछ इस तरह की स्पेस मिल जाती है जो आप मोबाइल और थोड़े लिपस्टिक वगैरह रख सकते हैं और इसको कुछ इस तरह से आप क्लोज करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको ये चेन मिल जाती है। तो इस तरह की जो क्लचेस होती है ना, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक देती है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, बहुत वर्सटाइल है। तो ये भी बहुत एक काम का एक क्लच है। और ये जितने भी आपको मैंने बैग्स एंड क्लचेस दिखाए हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब वर्सटाइल है, मुझे बहुत पसंद है। आप मुझे बताना आपको कौन सी क्लच या फिर बैग ज़्यादा अच्छी लगी, एंड ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट किसी और वीडियो में। बाय बाय।